हम आपको बताने जा रहे हैं फिल्म बेबी का रिव्यू। देश में आतंकवादी घटनाओं की साजिश को नाकाम करना, ये फिल्म बेबी का मुख्य मुद्दा है। बेबी का निर्देशन किया है नीरज पांडे ने, जिनके नाम के आगे द वेडनेसडे और स्पेशल 26 जैसी बेहतरीन रोमांचक फिल्में हैं। वास्तविक घटनाओं से प्रेरणा लेकर वे थ्रिलर गढ़ते हैं और सरकारी ऑफिसर्स की कार्यशैली को बखूबी स्क्रीन पर दिखाते हैं। बेबी में उनकी यही खूबी नजर आती है। हालांकि फिल्म का पहला हिस्सा थोड़ा लंबा खींचा गया है और कुछ हिस्से गैर जरूरी भी लगते हैं, लेकिन इंटरवल के बाद वाला हिस्सा बेहतरीन है। इस दरमियान आप कुर्सी से हिल भी नहीं पाते। नीरज पांडे द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट में कुछ खामियां भी हैं। इन खामियों के बावजूद नीरज रोमांच पैदा करने में सफल रहे हैं। दर्शक पूरी तरह से फिल्म से बंधे रहते हैं और उत्सुकता बनी रहती है। अक्षय कुमार ने अपनी भूमिका पूरी गंभीरता से निभाई है। एक्शन रोल में वे जमते हैं और बेबी में अजय के किरदार में वे बिल्कुल फिट नजर आए। अक्षय के मुकाबले अन्य कलाकारों को कम फुटेज मिले हैं। राणा को तो संवाद तक नहीं मिले। छोटे से रोल में तापसी पन्नू अपना असर छोड़ जाती है। अनुपम खेर की फिल्म के क्लाइमैक्स में एंट्री होती है और वे तनाव के बीच राहत देते हैं। मधुरी मातुली के पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। रशीद नाज और सुशांत सिंह अपने अपने किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभा गए हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ऊंचे दर्जे की है। ओवरऑल ये फिल्म देखने जैसी है।